हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो V25 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऐड आइकन टू होम स्क्रीन का। इस ऑप्शन के सामने एक बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है, तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अभी सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन में कभी भी प्ले स्टोर के जरिए किसी भी नए ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो ऐप आपका इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप ड्रॉअर के इस पेज के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वही ऐप आपका ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, ये ऐड आइकन टू होम स्क्रीन सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कुछ इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का इस सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए अपने फोन में। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ठीक है। तो आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड इस तरीके से ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है, तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है आपको डायरेक्टली सेटिंग के पेज में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।